अच्छा नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मेरे पास एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो बैटरी मैंने प्लेस की हुई, बैटरी के अंदर अपनी एक रेजिस्टेंस होती है व्हिच इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, बैटरी में से जब करंट निकलने लगेगा तो इट हैज टू फाइट ऑफ दैट इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट। ठीक है, एंड बाय द टाइम मेरा करंट निकलेगा, वो अप्लायंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड द लॉस्ट वोल्ट्स। और जो मेरे पास अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो टुगेदर जो मेरा एक्चुअल बैटरी की कैपेसिटी है या वोल्टेज कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ और द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड ईएमएफ जो EMF constitutes the terminal potential difference and the lost volts. So, agar main formula banana chahu, to EMF is equals to the terminal potential difference plus the lost volts. ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं voltage against current का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, मैंने कुछ अपनी इक्वेशन को रीअरेंज किया, वोल्टेज को मैं वाई एक्सिस पर बनाना चाह रहा हूं, तो मैं उसको यही रहने दिया, आईआर को मैं ऑपोजिट एंड पर ले गया, तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई, दिस इज ऑन माय वाई एक्सिस, दिस कम्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो जो मेरा रेजिस्ट ग्रेडियंट है वो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है, और जो मेरा वाई इंटरसेप्ट होगा वो मुझे ईएमएफ की वैल्यू दे देगा। मूविंग फॉरवर्ड यहां मैंने लिख दिया, ईएमएफ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी, जो कि अगर तुम बैटरी सेल्स वगैरह देख लो, सही है, रिमोट वगैरह के सेल्स अगर आप चेक कर लो तो उनके ऊपर एक अमाउंट लिखा हुआ है, दैट अमाउंट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, एंड अगर आप सेल को ओपन अप करते हो तो उसमें केमिकल्स वगैरह है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द केमिकल एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सेल से आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह स्विच ऑन स्विच ऑफ करवा सकते हो थ्रू द रिमोट कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, वेयर आर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल लाइट हीट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट को ऑन करने के लिए मुझे उसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्किट में मेरे पास एक हीटर मैंने लगाया हुआ है, तो बैटरी जो वोल्टेज ड्रॉप कर रही है अगेंस्ट द हीटर, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ, मतलब कि केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, हीटर ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट ऑफ करना शुरू किया रूम को, तो वो कहलाती है यार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। Achha. Whenever a charge flows through the external circuit, the difference between the two accounts for the lost volts. The terminal potential difference is less than the EMF because some work is done or dissipated in making a charge move through the internal resistance. Achha. Let's say uski apni internal resistance is 0.5 ohms. 12 वोल्ट की मेरी बैटरी है, मुझसे कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप मुझे बता दो, लैंप जो है उसकी पावर
आउटपुट जो है 48 वॉट्स है और वोल्टेज रिक्वायर्ड इज 12 वोल्ट्स, बिकॉज दिस इज अ पैरेलल सर्किट, तो 12 वोल्ट इधर भी ड्रॉप हो रहा होगा, 12 वोल्ट इधर भी ड्रॉप हो रहा होगा. पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर मैंने लगाया, मेरे पास आ गया 3 ओम्स. करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, यार तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो V is equals to IR, मुझे लगाने के लिए टोटल रेजिस्टेंस पहले इन दोनों लैंप्स की चाहिए, ठीक है, और मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की चाहिए. पैरेलल कनेक्शन से 1/3 + 1/3 करता हूं तो मेरे पास 1/R टोटल आएगा. रेसिप्रोकेट करोगे तो पता चलेगा यहाँ पे 1.5 ओम्स आ रहा है एज द टोटल रेजिस्टेंस. दिस बिकम्स वन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. अब मेरा पैरेलल कनेक्शन खत्म हो चुका है, वो सीरीज बन चुका है. इट इज इन सीरीज विद अ 0.5 ओम्स रेजिस्टर और दोनों को ऐड ऑफ करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 ओम्स. 2 ओम्स को ऐड करके तुम्हारे पर टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम्स. तुम्हारे पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 12 है, जहां से करंट निकाल सकते हो 6 एम्पीयर का करंट आ जाएगा. एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट की अगर मैं बात कर लूं तो लॉस्ट वोल्ट्स हम नहीं काउंट कर रहे होते, ठीक है. अगर मैं V is equals to IR इधर लगा दूं, ठीक है, मेरे पास करंट है 6 एम्पीयर्स और मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस थी 0.5 एम्पीयर. यहां से मुझे पता चलेगा 3 एम्पीयर जो है दैट इज लॉस्ट वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स सॉरी. बारह में से 3 वोल्ट्स अगर लॉस्ट वोल्ट्स है तो 9 वोल्ट्स सर्किट के अंदर गया है. तो 9 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय द टोटल इनटू 100 दैट गिव्स मी 75%. व्हाट हैपेंस टू द एफिशिएंसी इफ एन एक्स्ट्रा बल्ब इज कनेक्टेड इन पैरेलल? याद रखो अगर मैंने एक और बल्ब ऐड कर दिया तो मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, मेरी टोटल रेजिस्टेंस 1/3 करके 1 ओम हो गई, ठीक है. अच्छा रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगी 1 ओम्स की ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टर्स. और अगर मैं चेक करूं, अगर अब मैं चेक करने जाऊं तो मेरे पास V is equals to IR है, टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल की 1 हो गई, इंटरनल की 0.5 थी, 1.5 मेरे सर्किट की टोटल हो गई. वोल्टेज मेरे पास 12 था, यहाँ से पहले मैंने करंट निकाला. करंट की वैल्यू आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आ रही होगी आपके पास 8 एम्पीयर, ठीक है. अब यहां से देख लो, अगर V इक्वल्स टू IR लगा के इंटरनल रेजिस्टर मेरे पास है 0.5, करंट मेरे पास 8 है, यहां से मुझे पता चला 4 वोल्ट्स जा रहा है मेरा लॉस्ट वोल्ट्स जो के 0.5 एम्पीयर के ऊपर लॉस्ट वोल्ट्स हो रहा है 4 का. तो जो मेरे पास बचा, जो कि सर्किट के लिए बचा, वो 8 वोल्ट्स बचा. टोटल मेरे पास 12 था, इनटू 100 करूंगा, एफिशिएंसी मेरे पास समवॉट 0.66% हो जाएगी. पहले मेरे पास थी 75%, अब मेरे पास हो रही है 66%, मतलब डिक्रीज हो गई, ठीक है. तो यही बात तुम समझाओगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल डिक्रीज कर गई तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज कर गया एंड हेंस एफिशिएंसी रिड्यूसेस. नेक्स्ट कम्स इन द कांसेप्ट ऑफ हाउ टू चार्ज अ रिचार्जेबल बैटरी यूजिंग अ पावर सप्लाई, ठीक है. अच्छा तुम्हारे पास यार हमेशा चार्जिंग अगर करनी होगी तो तुम्हें पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा मेरे पास यहाँ से करंट अगर फ्लो करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आके अपोज कर रहा है इस बैटरी को, इफ यू वर टू सॉल्व दिस सर्किट आप कह देते 20 V = IR लगाता, आपसे कह रहे कैलकुलेट द चार्जिंग करंट.
क्योंकि बोथ द पोल्स आर अपोजिंग वन अनदर, मतलब कि मेरा करंट देखो यहाँ पे जाके अपोज कर रहा है, और जो यहाँ से करंट निकलने वाला था वो इस डायरेक्शन में जाता, बोथ आर अपोजिंग वन अनदर, दैट इज वाई मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास 20-8 हो गया जो के मुझे दे देगा 12 वोल्ट्स। मुझे करंट चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट अगर मैं देख लूँ तो 0.5 + 0.1 + 3.4, तीनों को ऐड कर दिया मैंने और यहाँ से मैंने करंट निकाल दिया। अच्छा यार, इसके बाद आता है किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स, देयर आर टू किरचॉफ्स लॉज। वन इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ व्हिच इज द केसीएल, किरचॉफ्स चार्ज लॉ और करंट लॉ। सेकेंड इज द केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट। अच्छा, वी यूज बोथ ऑफ दीज साइमल्टेनियसली टू सॉल्व अ सर्किट। लेट से मेरे पास कोई ऐसा सर्किट था, मैंने पहले उसके एंड्स को नेम कर दिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई द नोड्स। नोड्स आर ब्रेकिंग पॉइंट, दिस इज अ नोड, दिस इज द पॉइंट वेयर द सर्किट इज ब्रेकिंग, ठीक है। अच्छा, नाउ यू कैन से कि यार मेरे पास सबसे ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी एक ये रही, एक वोल्टेज वाली बैटरी ये रही, द बिगर वन इज वेयर यू स्टार्ट ऑफ। मैंने यहां से कह दिया यार एक करंट निकल रहा है आई वन, वो ट्रैवल करता गया करता गया करता गया, नोड पे आया तो अब वो स्प्लिट कर रहा है इनटू आई टू एंड आई थ्री। मूविंग फॉरवर्ड, आई टू ट्रैवल्ड एंड ट्रैवल्ड, इट क्रॉस्ड दिस बैटरी, इधर आया, वेर एज आई थ्री ऑन द अदर हैंड वॉज ट्रैवलिंग डाउन एंड डाउन, एंड दे अगेन मीट एट अ नोड। यहां नोड पे मिलके वो वापस से एड अप हो रहे हैं। कोई सा भी नोड ले लो, लेट्स से ये वाला नोड मैंने लिया, इस नोड पे जब मैं एंटर कर रहा था तो मेरे पास करंट था आई वन जो कि ब्रेक डाउन हो गया था आई टू और आई थ्री में। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और द केसीएल, दैट इज द करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द करंट लीविंग द नोड। आई एम अगेन रिपीटिंग, इनिशियली मेरे पास जो करंट था वो एंटर हो रहा था, इट वॉज लीविंग द फर्स्ट बैटरी 2 वोल्ट बैटरी, वो जाता गया जाता गया जाता गया, एंड इट रीच्ड अ नोड व्हिच इज पॉइंट डी। राइट, पॉइंट डी पे इट इज स्प्लिटिंग इनटू टू डिफरेंट करंट्स आई टू एंड आई थ्री। The fact that it is splitting, ठीक है, देख रहे हो I1 breakdown हो रहा था I2 और I3, this is what KCL speaks about। KCL कहता है यार कि the current entering a node, right, is equal to the current leaving the node। और मैंने इसकी basis पे ये equation बना ली। Now we are done with Kirchhoff's first law, that is the KCL. Now we're going to move on to Kirchhoff's second law, the voltage law or KVL. Ek baat samajh lena, initially maine apne junctions ko name kiya tha, there was a reason behind it, theek hai, wo reason simply sa ye tha ki I'm going to mark an arrow. Pehle main let's say loop
A B C D E F और G ले लेता हूं, A B C D E F G A। ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी मेरा वोल्टेज निकल रहा होगा फ्रॉम द पॉजिटिव, लेट्स से मेरे वोल्टेज की डायरेक्शन यही है ना, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में एंटर करेगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, आई एम गोना एड इट एज अ प्लस टू वैल्यू, एज एन अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मैं मेरे एरो की डायरेक्शन और मेरी बैटरी की डायरेक्शन अगर कोइंसाइड कर रही है, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द वोल्टेज। ठीक है, ये बात यहाँ लिखती है, अगर मेरे पास क्लोज लूप है, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी ए है, मेरी डायरेक्शन ऐसी है कि मेरा, मैं नेगेटिव की तरफ एंटर कर रहा हूँ और पॉजिटिव से लीव आउट कर रहा हूँ, as in I'm ending at the negative and starting off at the positive, so I'm going to consider this as a positive value. aur agar main positive se start kar raha hu aur negative pe end kar raha hu, like the other way round for the case 1, opposite to the conventional current, agar main ja raha hu to mere paas ho jayega negative value. अच्छा, अगर मैं करंट की बात कर लूं, मेरी मार्क डायरेक्शन किस, मेरी मार्क डायरेक्शन और करंट अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आई एम गोना कॉल इट एज नेगेटिव आईआर, और अगर मेरा मार्क डायरेक्शन और करंट ऑपोजिट में है, तो आई एम गोना कॉल इट अ पॉजिटिव आईआर। व्हाई? बिकॉज एक बात याद रखना, ये सेकेंड लॉ जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर है, तुम्हारी जो बैटरी है वो बेसिकली वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है और जो रेजिस्टर है वो उनको कंज्यूम कर रहा है, इस बेस के ऊपर या इस फैक्ट के ऊपर ये पूरी की पूरी वर्किंग हो रही होती है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, मैंने जो अपना एरो मार्क किया हुआ है, अगर तुम देख लो ये रहा एरो, पॉजिटिव से मैं लीव आउट किया तो ये मैंने पॉजिटिव टू कह दिया। ठीक है, मेरे आरओ के साथ साथ मैं जा रहा हूं, आई वन और आर मेरे आरओ के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो माइनस थ्री आई वन इसको कह दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं ट्रैवल किया, अगेन मेरा करंट और मेरी मार्क डायरेक्शन सेम है, तो उसको मैं कह दूंगा माइनस फोर आई टू, आई टू जा रहा है ना फोर के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नेगेटिव से जा रहा हूँ, पॉजिटिव से निकल रहा हूँ, तो ये एक पॉजिटिव वोल्टेज हो गया। उसके बाद फिर मैं पूरा का पूरा लूप मेरा एंड हो रहा है, तो उसको मैंने मार्क कर दिया जीरो। Based on the conservation of energy, Kirchhoff's second law is based on conservation of energy. It states that the total sum of EMFs in a closed loop is always equal to zero. And this implies that the battery provides the voltage and the resistors will consume it. It is based on the law of conservation of energy. Regarding minus wali baat, law of conservation of energy ke hisab se, law of conservation of energy ke hisab se, maine kaha yaar ki puri ki puri, pura jo loop hai, wo equals to zero hai. Which means agar main isko rearrange kar lu is equation ko, 2 प्लस वन है मेरे पास, 2+1 मुझे दे देगा 3 इज इक्वल्स टू, सारे ये जो नेगेटिव आई वन हैं उनको अगर मैं ऑपोजिट साइड पे ले जाऊंगा तो वो हो जाएंगे 3i1 + 4i2। द
this is basically v is equals to I R. तो नेगेटिव मैंने सिर्फ अपने कन्वेंशन के लिए यहां पे रखा गया है टू सॉल्व द सर्किट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द बैटरी इज प्रोवाइडिंग द वोल्टेज. तो उसके साथ साथ अगर उसका और मेरे एरो की डायरेक्शन कोइंसाइड करिए तो उनको मैं एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द वोल्टेज. अगर मेरा एरो की डायरेक्शन और रेजिस्टर के अंदर जाने वाला करंट की डायरेक्शन कोइंसाइड कर रही है तो बेसिकली वो कंज्यूम कर रहा है वो सारा का सारा वोल्टेज एंड दैट इज व्हाई इट्स अ सबट्रैक्टेड वैल्यू. जो मैं वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा था वो यूज अप कर रहा था. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मुझे सेटिस्फाई करने के लिए ये पूरा स्टेप करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास था यार V is equals to IR formula. अगर मैं IR को opposite end पे ले जाना चाह रहा हूँ, somewhat like that, don't you think ये भी तो zero हो गया? यही चीज मैंने Kirchhoff's second law में basically की दी है. जो voltage मैं provide कर रहा हूँ, resistor वो consume कर रहा है, such that मेरी energy conserved रह रही है in a closed loop. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड मैंने अपना अच्छा फर्स्ट लूप मेरा हो गया पूरा का पूरा जिससे मैंने इक्वेशन बना ली. ठीक है. नेक्स्ट आई एम गोना टेक इन माय सेकंड लूप, वो ये हो जाएगा राइट. अगेन 2 volts बैटरी से निकल रहा है, मैंने 2 volts यहाँ एंटर कर दिया. उसके बाद फिर मैं मेरे एरो की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कोइंसाइड करिए तो -3I1 हो जाएगा. उसके बाद मैं यहां से जा रहा हूं तो -3I3 हो जाएगा. ठीक है. और यहां पे मेरा सर्किट पूरा क्लोज्ड है. देखो उसके बाद कोई रेजिस्टेंस वगैरह आ नहीं रही तो इक्वल्स टू जीरो कर दोगे. मेरी 2 equations कुछ ऐसे मैंने यहां पे लिख दी. यू विल साइमल्टेनियसली सॉल्व दीज आर बाय द वे फ्रॉम KVL और Kirchhoff's सेकेंड लॉ. और एक इक्वेशन आपके पास थी Kirchhoff's फर्स्ट लॉ से, वो ये रही I1 = I2 + I3. इन तीनों को अकोमोडेट करके यू विल गेट योर आंसर वैल्यूज. ठीक है. एक बात याद रखना, फॉर एग्जांपल मेरे किसी करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, यू विल डू नथिंग अबाउट इट, यू विल लीव इट देयर एंड देन. दिस विल टेल अस कि जो मैंने अज्यूम्ड डायरेक्शन की थी करंट की उसके ऑपोजिट जा रहा है करंट. ठीक है. एंड एग्जामिनर विल वर्क दैट आउट फ्रॉम देयर. आप कुछ भी नहीं करेंगे. ठीक है. तो Kirchhoff's फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द करंट अराइविंग एट अ नोड मस्ट बी इक्वल टू द करंट लीविंग इट. सही है. इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Charges can neither be created nor destroyed. KVL states that the total sum of EMF in a closed loop is always equals to zero, implying that the battery provides the voltage and resistors consume it. It is based on law of conservation of energy. Next comes in potentiometer. A potentiometer is basically a circuit that can be used to help us calculate the voltage of an unknown supply. Let's say मेरे पास एक circuit था 4 volts का. ठीक है. अच्छा याद रखना, इनिशियली करंट मेरा यू फ्लो कर रहा था क्योंकि पॉजिटिव से वो निकलेगा और नेगेटिव में जा रहा होगा. मैंने उसको एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया. ठीक है. अच्छा दिस इज माय रेजिस्टेंस वायर 100 centimeter की लेंथ का. मैंने जो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट किया उसको मैंने पॉइंट एक्स पे रख दिया है सच दैट वो वायर की 75 सेंटीमीटर की लेंथ दे रहा है. ठीक है. याद रखना अगर वो 75 सेंटीमीटर की लेंथ ले रहा है यहाँ पे मतलब कि जो मेरा वोल्टेज यहाँ से आ रहा था. ठीक है. यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जो तुम्हारी मेन बैटरी, दिस इज कॉल्ड द मेन बैटरी. ठीक है.
This is called your secondary battery. The main battery is also called the primary battery. अच्छा, तो 4 volt की जो battery है, तो let's say 75/100, 100 centimeter का wire था, उसमें से 75 तुमने consume किया, total voltage was 4, right? यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये इस पूरी battery पे और इस पूरे resistance wire पे 3 volts drop हो रहा है, जबकि तुम्हारे पास यहाँ से कुछ 2 volts आ रहा था. When they meet at this point, यहाँ से मेरे पास 3 volts आ रहा है, यहाँ से मेरे पास 2 volts आ रहा है, तो definitely मेरे पास जो current हो जाएगा वो primary battery का ज्यादा है, तो current का direction A to point P जा रहा होगा, because बड़ा voltage ये हो जाएगा. Quickly moving forward, अगर let's say मैं direction रख देता यार, X को ले आता मैं 0.25 पे, तो अब मेरे पास हो जाता 25/100 into 4, यहाँ से मेरे पास आ जाता 1 volt, मतलब कि अब यहाँ से 1 volt आ रहा है, यहाँ से मेरे पास 2 volt आ रहा था, बड़ा voltage जो हो जाता वो सेकेंडरी बैटरी से आता, तो करंट की डायरेक्शन अब होती P2A. उल्टा अगर मैं X को मार्क 50 पे रखता, तो 50/100 होता इनटू 4, वहां से मुझे मिल जाता 2 वोल्ट्स. अब मेरा करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती.